Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Mohammad Ansari, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 थी, यानी कि टाइगर 3 के डे नंबर 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो सैटरडे फॉर सलमान खान टाइगर 3, फर्स्ट सैटरडे कहूँ तो सही रहेगा, क्योंकि गाइस ये फिल्म जो है वो एक संडे पर रिलीज हुई थी, अब जाकर आज समाप्त होता है। एंड आज ऑफिशियली सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का पहला वीक जो है वो समाप्त होता है। जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पहले 7 दिनों में इतने कितना पैसा कमाया है इंडिया में, ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड, एंड कल एग्जैक्टली कल का सिनारियो जो है क्या होने वाला है। चलिएगा इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। तो गाइस डे नंबर 6 द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर द हिंदी वर्जन इज 13 करोड़। इसी के साथ इस फिल्म ने 6 दिनों में सिर्फ हिंदी भाषा में 196 करोड़ कमाई की। 6th डे पर तमिल एंड तेलुगु वर्जन ने 25 लाख कमाते हुए 5.5 करोड़ कमाई की है। इसी के साथ हिंदी तमिल तेलुगु मिला लो तो 6 दिनों में फिल्म ने 201.50 यानी कि 201.50 करोड़ की कमाई जो है वो कर ली है। इसका ग्रॉस होता है 244.24 करोड़। एंड गाइज डे नंबर 6 जो था, मैंने कहा था आप सभी लोगों को कि यूएई एंड जीसीसी में हॉलीडे होने वाली है, ऑब्वियसली कई जगहों पर फिल्म बैंड हुई, इसका कारण है वहां पे कलेक्शंस नहीं आए एंड कल भी नहीं आए, वरना ओवरसीज डेफिनेटली 10 करोड़ के ऊपर जाता। एंड डे नंबर 6 इसने ओवरसीज में 8.32 करोड़ की कमाई की है। एंड गाइज यहाँ पर जो रिवाइज टोटल है ओवरसीज का वो 81.50 करोड़ है कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने 6 दिनों में 325.74 से लेकर 326 करोड़ की कमाई की है। अब कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की जो मैच है ना, वो स्टेडियम में तो चलेगी, मोबाइल पे सब लोग देखेंगे ही देखेंगे। एग्जिबिटर्स ने जो कमाल किया है, तो टाइगर 3 के लिए कमाल नहीं है, वो ये है कि हर सिनेमा घर एक स्क्रीन देता था मैच को। तुम जो 5 स्क्रीन का सिनेमा घर है, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 स्क्रीन है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4, स्क्रीन 5। स्क्रीन 3 पे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच चलेगी, 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो ऑडी जो रहेगा वो स्क्रीन रहेगा वो बुक्ड रहेगा। यानी कि 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1, 4 शो एक फिल्म के एक मैच खाता है, ध्यान से सुनो। एक स्क्रीन 4 शो खाएगा। कई कई सिनेमाघरों में कल 4-4 शोज दिए गए हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच को, यानी कि 4x4 टाइगर 3 के 16 शोज एक सिनेमा में कल इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच खाया जाने वाला है। अभी और कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसे ही बांबू था और बांबू आया है। यहाँ पर पीवीआर में तो हो ही रहा है, आईनॉक्स में 2 है, बहुत जगह ये होने वाला है। तो कल वैसे पब्लिक घर पे तो देखने वाली है, स्टेडियम में भी देखने वाली है, क्लब लाउंज सब फुल होगा। थिएटर में यहाँ टाइगर 3 चल रही है, वहां भी एग्जिबिटर इंडिया ऑस्ट्रेलिया चला रहे हैं, तो कल क्या कलेक्शन का मैं प्रेडिक्शन दूंगा सोच लो। अब देखो फिल्म को बोलना है गाइस, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, फिल्म को बोलना है। ओके, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज 12% की थी, आफ्टरनून 19 एंड इवनिंग 25। कल का कलेक्शन 13 करोड़ का था, आज इस फिल्म को एटलीस्ट 50% का जंप लेना था, एटलीस्ट 19 से 20 करोड़ कमाना था, एंड टाइगर 3 हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ दिस। बात करते हैं गाइस यहाँ पे शो काउंट्स की, तो गाइस दिल्ली एनसीआर में 1420 शोज कर दिए हैं, कैन यू बिलीव इट, 25% ऑक्यूपेंसी, गुड। मुंबई 1037 शोज में 23%, पुणे 400 शोज में 30%, बेंगलुरु 319 शोज में 27%। रक्षित शेट्टी की पिक्चर है साइड बी, वो खचाखच जा रही है। एंड कल अहमदाबाद में शोज, मैंने कल जब बोला था कि खिचड़ी चल रही है तो लोग कमेंट मजाक उड़ रहे थे, खिचड़ी का वजह से शोज कम हो गए, 1 करोड़ रुपए कमाई खिचड़ी, ऑल बिकॉज ऑफ गुजरात, अहमदाबाद और टेरिटरीज के वजह से। कल रिव्यू में बोला था कि पिक्चर चलेगी, गुजरात वालों को बहुत पसंद आएगी पिक्चर वो, एंड वही हुआ है। हैदराबाद 293 शोज में 27% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 366 शोज में 30%, अहमदाबाद 652 शोज में 27%। बात करूं गाइस यहाँ पे चेन्नई की, 89 शोज में 35%, सूरत 329 शोज में 20%, जयपुर 197 शोज में 28%, चंडीगढ़ 152 शोज में 23%, एंड लखनऊ 289 शोज में 24%। माय प्रेडिक्शन फॉर टाइगर तृतीय इज 17.5 से लेकर 18 करोड़ रुपए। यस फ्रेंड्स, 20 करोड़ तो इस फिल्म से नहीं हुआ आज,
अनफॉर्चुनेटली आज वो लास्ट दिन था जहां पर ये फिल्म सबसे ज्यादा पैसे जो है वो कमाने वाली थी, एंड 30% जंप लेते हुए फिल्म ने आज 17.5 से 18 करोड़ की कमाई की है। रात को और बढ़ा तो 18 के ऊपर जाएगा, एंड अगर ये 17.5 करोड़ कमाता है तो इसका सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का टोटल जो है वो 213.50 करोड़ होता है, समझ में आ रहा है। एंड गाइस अगर 50 लाख कमाया तमिल तेलुगु में, देन तमिल तेलुगु वर्जन विल बी 6 करोड़, एंड ऑल लैंग्वेजेस में पहला हफ्ता टाइगर 3 का 220 करोड़ पे समाप्त होगा। 220 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि आई थिंक पठान, जवान, सुल्तान, वॉर, गदर, उंगलियों पे टाइगर जिंदा गिनी चुनी फिल्में जो है उन्होंने किया है। इट्स जस्ट दैट ये साल हमको बॉप कलेक्शन देखने मिले, एक पठान देखने मिला, एक जवान, एक गदर। यही कलेक्शन अगर पिछले साल आया होता ना, जब ये तीन फिल्में नहीं होती, तो दिस वुड हैव बीन टर्म्ड अ क्रैकर ऑफ अ कलेक्शन। लेकिन हमारे पास ये साल ये तीन टॉप फिल्में थी जिन्होंने हमको 500 करोड़ के दर्शन कराए, जो हमारे इंडस्ट्री में कभी किसी ने नहीं कराए थे, उसके सामने इसी का कारण है ये कलेक्शन लोगों को अंडरवेलमिंग लग रहे हैं। एंड बात करूं 17.50 करोड़ आज का नेट आएगा, उसका ग्रॉस होगा 20.50, ओवरसीज कमाएगी 9, यानी कि आज भी ये फिल्म ओवरसीज 29-30 करोड़ कमाकर वर्ल्ड वाइड टोटल 355-356 करोड़ पहुंचाएगी। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आज भी अगर मैं बात करूं तो सिंगल स्क्रीन्स हैव बीन द बैकबोन, जो भी 17.5-18 करोड़ आ रहा है गाइस, टाइगर है कलेक्शन, चाहे वो डिलाइट सिनेमा हो, असफ अली रोड दिल्ली, 1130 में सारे के सारे सीट्स फुल थे, राजमंदिर जयपुर पूरा फुल था, मेहर आगरा 562 सीट्स में सब फुल, श्री टॉकीज पुणे 371 में 371 फुल, कपलाना ग्वालपुरा 321 में सब फुल था, ओपेरा नागांव 118 सीट्स में 118 फुल, एम राजा भुवनेश्वर, मोना 70 mm पटना, केसरी भुवनेश्वर, लिबर्टी दिल्ली, एन कोहिनूर जोधपुर, विक्ट्री पुणे, सब 70-75% ऑक्यूपेंसी थी। नोवेल्टी सिनेमा लखनऊ यहाँ पे 640 सीट्स में थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 450 फुल था। गैलेक्सी सिनेमा मुंबई 819 सीट्स में 550 फुल थे। प्रीमियर गोल्ड मुंबई 60% ऑक्यूपेंसी। गेटी मुंबई 960 सीट्स है, 960 में से 518 फुल थे। मुक्ता A2 सिनेमा हैदराबाद 600 सीट में 350 फुल थे। गोल्ड सिनेमा दादर यहाँ पर ईस्ट में 245 सीट्स में से 180 फुल थे। एंड गाइस सलमान खान की फिल्म ने यहाँ पर रात के शोज में जो पिकअप लिया है, इसी का कारण है कि कलेक्शन जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेट्स सी गाइस, और कलेक्शन रात को बढ़े तो शायद ये 18 करोड़ के ऊपर कमाए। अब बस उम्मीद है कि ये फिल्म का जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड पोस्टर है वो ये फिल्म का कल यशराज फिल्म रिलीज करे, एंड उम्मीद कर सकते हैं कि कल डिस्पाइट द फाइनल पिक्चर 13 करोड़ कमाए जो उसने फ्राइडे को कमाया था, उसके बाद ये फिल्म की किस्मत जो है वो आगे बोलेगी। एज ऑलवेज से Stay cool, man.